मेवात नू डिस्ट्रिक्ट जो है एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और देश भर के जो सबसे जैसे कहना चाहिए पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट 117 में हमारे हरियाणा का एकमात्र नू है, ध्यान देंगे। For more such videos, subscribe to the News Act. मेडिकल कॉलेज का वहाँ के हमारे विधायक ने उठाया होगा, तो मनेठी में हमको पता होगा ही जिन्होंने विषय उठाया, 200 एकड़ मनेठी एम्स, एम्स या मेडिकल कॉलेज है तो हेल्थ का ही विषय ना, ये मेडिकल एजुकेशन का विषय है, उसको मैं इस नाते से अभी साथ ले रहा हूँ। एम्स की घोषणा हुई है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की है, हम लोगों ने भी की, राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं हम लोग एक सभा में थे, करके आए थे। 200 एकड़ जमीन गाँव के लोगों ने दी थी और वो चूंकि अरावली फॉरेस्ट्रेशन की वो जमीन निकली रिकॉर्ड में, अरावली प्लांटेशन ऐसा लिखा हुआ है, तो अरावली समय और लगेगा थोड़ा उसी समय। मैं तो इस हाउस के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, नहीं तो ये तो नहीं, अगर हाउस कहे कि यहाँ इसको बंद करो तो कर देता हूँ। बोलिए, जब तक सीएम साहब का भाषण खत्म नहीं हो जाता तब तक समय आगे बता दीजिए। हाँ, समय की सीमा नहीं है, चलिए ठीक है। अरे अगली बार मेरे पास कई लोगों की लिस्ट है। हाँ चलिए, तो वो 200 एकड़ जमीन अरावली फॉरेस्टेशन प्लांटेशन लैंड के नाते से रिकॉर्ड में आ गई, तो उसमें क्लियरेंस फॉरेस्ट की मिली नहीं है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, वहां के कुछ सर्विसमैन आए थे, उनका जी हमारी एक कमेटी बना दीजिए, हम इसको क्लियर कराएंगे, तो हमने उनकी कमेटी के लिए कह दिया है और वो एक आध दिन में जो लोग आएंगे 3 लोगों की कमेटी बना देंगे, डिपार्टमेंट का एक आदमी भी लगा देंगे। हम चाहते हैं कि उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंटर से उड़ाएं, उसको क्लियर कराएं, हम वहां तुरंत उसको काम को शुरू कराएंगे। एक मिनट, मैंने अगली ऑफर भी उनको दी है कि अगर मान लो वो नहीं क्लियर होता तो गांव में आप 200 एकड़ जमीन हमें दीजिए, हम उसके पैसे हरियाणा सरकार की ओर से दे देंगे ताकि एम्स वहां बन सके, ये ऑफर भी उनको दे दी गई है। इसलिए दोनों रास्तों में से जो वहां के लोग कहेंगे, जो करा के लाएंगे, उसको हम पूरा करेंगे, इसका वादा हमारा। कांग्रेस की हुडा जी ने की थी वो पास, वो अभी नहीं, अभी बाद में, पहले जो अभी चर्चा चली है वो तो पास हो चुका था हमारी गवर्नमेंट के अंदर, माजरा सुराज गांव के अंदर, नहीं वो हमारी लिस्ट में नहीं, गवर्नमेंट ने पास कर दिया सर, हमारी लिस्ट में नहीं है वो, हमारी लिस्ट में नहीं है। हमने तो जैसे एक गुरुग्राम में एक नया मेडिकल कॉलेज शीतला माता मेडिकल कॉलेज, उसकी स्थापना करनी है, करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, फंक्शनिंग है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी ये कुटेल में ये बन रही है, भिवानी का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जींद का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुरुक्षेत्र जिले में कौन सा, मिरीपीरी और दूसरा दो, आदेश मेडिकल कॉलेज है, ये दो अभी चालू हुए हैं। तो इस नाते से जो नए मेडिकल कॉलेज हैं, एक अग्रसेन मेडिकल कॉलेज झज्जर जिले में वो भी है, हाँ जी, एक सिरसा में एक प्रस्तावित है, लेकिन जिन्होंने प्रस्तावित किया था अभी वो पीछे हटे हैं, दूसरा नया कोई ना कोई लाएंगे किसी, अभी नहीं है वो सेंट्रल, कोरियावास हो गया, वहां एक कोरियावास में नांगल चौधरी में, ऐसा आप देखिए अभी हर जिले में पहले एक का जो टारगेट है वहां तक हम पहुंचे, बाकी फिर देखने होगा देखेंगे, ठीक है। जीरी की प्रोक्योरमेंट की बात मैंने आपके सामने रख दी है, सब स्किलिंग का विषय, रोजगार का, गीता जी ऐसे बीच बीच में करते रहेंगे, तो कौन है अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट है, आपके पास भी वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर गिरावड़ के बच्चे जो हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति को भी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी, हाई कोर्ट के जस्टिस को भी, मैंने पर्सनली हेल्थ मिनिस्टर साहब को भी, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, गवर्नर साहब को भी, सबको उनके ज्ञापन दिए, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी, आपसे भी वो मिले हैं, बच्चों की आपसे भी बात हुई है, तो मुख्यमंत्री जी मेरा आपसे ये अनुरोध है, उनका एडमिशन आज से 3 साल पहले नीट के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू हुआ था, और जहां पे हुआ था एमसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार वो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें उस कॉलेज में पाई गई, उन्होंने जो भी घटना की है, ये कॉलेज अगर फ्रॉड है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, द ओनली थिंग इज कि जो बच्चे वहां पर 148 बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ था, 40 से ज्यादा बच्चियां 2 महीने से ज्यादा वो वहां पर भूख हड़ताल करके बैठी हैं, आपकी जानकारी में है, तो मेरा आपसे मुख्यमंत्री जी अनुरोध है, मामला क्योंकि कोर्ट में भी लंबित है,
आप इसमें एक असेंशियल सर्टिफिकेट जारी करके अगर उन बच्चों के भविष्य को बचाते हुए ताकि उनको शिफ्ट कर दिया जाए। एमसीआई को लिखा गया था, एमसीआई ने रिपोर्ट दे दी है और प्रदेश को कह दिया गया है कि भी आप लोग इनकी नए सेशन के लिए व्यवस्थाएं कहीं भी करनी वहां कर लें। अब वो कितना जल्दी कर पाता है डिपार्टमेंट, हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है कि बहुत जल्दी इसकी व्यवस्थाएं बाकी मेडिकल कॉलेज में जितनी जितनी सीटें एडजस्ट की जा सके, क्योंकि एक जगह में शिफ्ट होना संभव नहीं है जितने भी मेडिकल कॉलेज प्राइवेट वाले, क्योंकि प्राइवेट का जो है प्राइवेट में ही जाएंगे, तो इसलिए ये भी बंधन है हमारे ऊपर, सरकारी में नहीं ला सकते उनको। उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन करके और इस सत्र के अंदर अंदर जब मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा, ऐसा हमने डिपार्टमेंट को कह दिया। इसी प्रकार एससी कमीशन का एक विषय आया था, इसकी जानकारी हाउस के मेंबर्स को होनी चाहिए कि एससी कमीशन का नोटिफिकेशन हो चुका है, केवल उसका गठन होना शेष है। अभी पिछले दिनों में चुनाव से पहले उसका नोटिफिकेशन हुआ था, गठन नहीं कर पाए थे, अब जल्दी उसका गठन होकर के और उसके मेंबर लगा दिए जाएंगे। इसी प्रकार किसानों की जो कोऑपरेटिव जो बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और पैक्स, इनके जो लोन है उस लोन का इंटरेस्ट और पेनल्टीज ये सब कैलकुलेट करा करके हमने बता दिया है कि 4,750 करोड़ रुपया ये घोषणा कर दी उसको माफ करने की। अभी किसान उसका लाभ लेने के लिए इस समय लगे हुए हैं, 30 नवंबर तक उसकी डेट है, अभी तक 75,000 किसानों ने उसका लाभ ले चुके हैं, 220 करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है, लेकिन किसान लगभग 7 लाख से ऊपर है। मेरा हाउस से निवेदन है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स या पैक्स, उनके जहां जहां लोन आउटस्टैंडिंग हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होने के बाद उनका खाता एनपीए हो जाता है और एनपीए होने के बाद आगे उसको दोबारा लोन ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए अब उनको कह दिया गया कि आप इसका पिछला अकाउंट यानी ये माफ कर दीजिए इंटरेस्ट और पेनल्टी, बाकी जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है वो ले लीजिए। लेकिन आपने जो बताया वो एक सोसाइटी है, सोसाइटी उसमें नहीं है वो, तो भाई अभी योजना जो है वो बता रहा हूँ, बाकी आगे क्या करना है ये तो सब भाई नहीं पता ना हमको, क्या होगा कैसे होगा, जो किया है मैंने बता दिया, बाकी अभी यूं तो हर चीज में सब कहेंगे, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। जो किया है वो मैंने बताया है और उसमें हमारा आपसे निवेदन है आप कोऑपरेट करिए, 7 लाख किसानों को लाभ होना है, अभी सिर्फ 75,000 किसानों ने लाभ लिया है, 6,30,000, इसमें कहीं कोई ये नहीं है कि भी किसने कराना किसने नहीं कराना, हमने उसकी बैंकों के माध्यम से जानकारी दे दी सब कुछ कर दिया, लेकिन हमारा भी पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने अपने वहां किसानों को कह करके, संयोग से अब फसल किसान की आई है तो स्वाभाविक है जब फसल का पैसा उसको मिलता है तभी वो कर सकता है, तो अब इस समय इसमें तेजी लाई जा सकती है और वो अपने एनपीए अकाउंट को समाप्त करा के रेगुलर अकाउंट उसको चला करा लें, ये एक विषय भी इसके साथ जुड़ना था। पानी के तालाब और गंदा पानी ये भी एक विषय आया था, इसके लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हमने एक पॉन्ड एंड वाटर डिस्पोजल मैकेनिज्म एक अथॉरिटी बनाई है, पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा, और अभी उसका गठन हुआ है, कोई 3-4 महीने पहले ही हुआ था, तो उसमें से हमने उनको दिया है कि कुल 14,000 तालाब हैं हरियाणा के, जिसमें से 4,500 तो सूखे के कारण से उनकी समस्या है और ऐसे 6,000-7,000 है जिनका ओवरफ्लो के कारण से समस्या है, बाकी नॉर्मल है। तो ओवरफ्लो वाले जो तालाब हैं उनका पानी का डिस्पोजल, उस पानी का इरीगेशन के लिए उपयोग, उस पानी को साल में एक बार खाली करके नया पानी उसमें डाला जाए ताकि वो रीयूजेबल हो जाए पशुओं के पीने के लिए, तो ऐसा एक मैकेनिज्म बना करके और उसमें धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं। 20 के आसपास तालाब ऐसे हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है, जो 10,000 से बड़ी आबादी के जो बड़े बड़े गांव हैं जिसको हमने महाग्राम का नाम दिया था, उसमें ये गांव में काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसको गति से हमको करेंगे ताकि अगले आने वाले 5 साल में, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा बजट लगने वाला है इसमें, तो इसका प्रबंध करके और हम पानी के दो विषय यात्रा में जैसा उल्लेख किया गया, कई जिले ऐसे हैं जहां के लोग मिले कि पीने के पानी की समस्या बहुत है, अब ये समस्या तो पुरानी है आज नहीं है, पानी की कमी भी है, फिर भी योजना बना करके पीने के पानी की प्रायोरिटी इरिगेशन से भी ज्यादा, हमको किसान को भी समझाना होगा कि पीने का पानी इरिगेशन से भी ज्यादा आवश्यक है, इसलिए पीने के पानी के पाइपलाइंस अलग से जहां जहां आवश्यकता होगी वहां वहां संभव होगा करेंगे, ताकि वहां के वाटर वर्क्स वो पीने के पानी के लिए पर्याप्त भरे रहें। और हमारी तो 5 साल 2024 तक योजना है कि हर घर में नल
जैसे हर घर के अंदर गैस का हमने पहुंचाई है, इसी प्रकार से आने वाले 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पानी का नल टूटी रसोई के अंदर पहुंचे, ये हमारी योजना है, इसमें पूरा करेंगे। एक विषय ड्रग अब्यूज का हमारे अमित सिंह चौटाला जी ने उठाया है। इसमें वास्तव में ये समस्या ऐसी है कि एक नॉर्थ इंडिया की एक सामूहिक समस्या है। सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित है पंजाब, पंजाब से ये इन्फ्लुएट करती है समस्या स्मगलिंग ड्रग्स की ये सब। और पंजाब में भी पाकिस्तान बॉर्डर होने के नाते से जम्मू कश्मीर की साइड से बहुत बड़ा एक इन्फ्लक्स आ रहा है। पिछले दिनों में लगभग अगस्त 2018 की बात है, एक साल से भी ज्यादा समय हो गया, आसपास के प्रदेशों के सब मुख्यमंत्रियों को मैंने स्वयं बुलाया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे और कुछ जगह 4 मुख्यमंत्री आए थे, बाकी जगह के अधिकारी आए थे। एक कॉमन स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, इसके लिए स्टेट टास्क फोर्स हमने बना दी है और एक सचिवालय भी, ड्रग अब्यूज या ड्रग कंट्रोल सचिवालय, ये पंचकुला में ही बनाया गया है। हर प्रदेश के 2-2 अधिकारी वहाँ पंचकुला में बैठे हैं और आपस में डेटा शेयरिंग करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते लेते हैं और जहाँ जहाँ इस प्रकार के लोग हैं उनको सबको कैसे कंट्रोल करना, डिमांड पर भी और सप्लाई पर भी कैसे कंट्रोल हो, इसके लिए अवेयरनेस के प्रोग्राम हैं और उनका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए उसके भी प्रोग्राम चालू किए हैं, एनजीओस को भी इसमें शामिल किया है। तो कुल मिलाकर सभी डिपार्टमेंट इसमें, हेल्थ है, स्कूल एजुकेशन है, सोशल जस्टिस है, हायर एजुकेशन है, प्रिजंस है, पुलिस है, इन सब डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन करके और इसके ऊपर काम शुरू किया है। स्टेट टास्क फोर्स तो बनी है लेकिन डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स ये भी एक डीएसपी के अंडर हर जिले में ये बनाने की योजना है, जल्दी बन जाएगी। पुलिस हेडक्वार्टर पर एक हेल्पलाइन जो इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की देने वाले हैं उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, तो ऐसा एक इन्फॉर्मेशन का सेंटर ये भी बनाया गया है। डी एडिक्शन सेंटर भी कुछ जगह पर चल रहे हैं लेकिन उसमें कई प्रकार की कमियां देखने में आई हैं। मैं जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहूँगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सभी डी एडिक्शन सेंटर्स उनका एक बार निरीक्षण करें, इंस्पेक्ट करें उसको और जो उसमें कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। और इसमें कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसमें हर एक ऐसे विभाग के नाते से जहां जहां किया जा सकता है, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, एक प्रकार का एंटायर अवेयरनेस प्लान ये इसमें बनाया गया है और एक बहुत ही ऐसी समस्या है जिसमें सबका सहयोग चाहिए। तो जो है ड्रग का मैंने पहले भी आपके सामने पिछली विधानसभा के सत्र के दौरान भी रखा था और अब जब चुनाव चल रहे थे, मैं कोई मेरे अपने अकेले हल्के की बात नहीं कर रहा, गुलाचिका की बात ईश्वर सिंह जी ने करी, शिषपाल ने काड़ावाड़ी की करी, यही हालत डबवाड़ी की, यही रानिया की है, यही फतेहाबाद जिले की है, टुहाणा में भी यही हाल है। मेरे हल्के के अंदर तो ये जो सोशल मीडिया के लोग, आपके प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जब वहां पे जाकर के लोगों से पूछ रहे थे कि यहां ड्रग का माफिया कौन है और कौन इसका संचालन कर रहा है, कौन इसको चला रहा है, लोगों ने बकायदा तौर पे नाम दिए और नाम लेकर के आरोप लगाए कि हमारे यहां पे फला व्यक्ति जो है इसका धंधा कर रहा है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि जिन लोगों के नाम लिए गए क्या आपकी सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी बैठाई, कोई जानकारी हासिल करी, कोई आप लोगों ने उन पर हाथ डालने का काम किया या आपकी सरकार ने उनको संरक्षण देने का काम किया, ये जानकारी भी मैं आपसे चाहता हूं। ठीक है, इसमें जो कंप्लेंट्स हमें मिली हैं उन कंप्लेंट्स के ऊपर अगर कार्रवाई हुई है तो ठीक है, नहीं भी हुई होगी तो जानकारी मिलते ही उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। इस विषय में कहीं कोई ढिलाई हम बरतेंगे नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। एक हाँ ठीक है, मुझे ध्यान में आ गया। ठीक है, दे सब दे दो। हाँ करेंगे। एक घोषणा और मैं कर रहा हूं कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक बिंदु ये लिखा था कि जो आउटसोर्सिंग की महिलाएं हैं उनको भी मातृत्व अवकाश अभी उनको नहीं मिलता है तो इसकी भी घोषणा कर रहे हैं और इसका प्रावधान करके जो आउटसोर्सिंग में महिलाएं काम करती हैं उनको भी मातृत्व का अवकाश, इसी सप्ताह ये पत्र जारी हो जाएगा। हम लोगों ने
दोनों महिला कर्मचारी नहीं नहीं महिला कर्मचारी शब्द रह गया होगा, तो आउटसोर्सिंग में जो महिला कर्मचारी उनको मातृत्व अवकाश। धन्यवाद। चलो रह जाता कोई विषय, महिला कर्मचारियों को लिखा है। एक हमारे घोषणा पत्र में दोनों में था कि हम ग्रामीण क्षेत्र की आबादी में शराब के ठेके ये नहीं खोलेंगे। अब चूंकि ये इस वर्ष का तो जो चल रहा है उसमें इस बीच में भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फरवरी में जो नए ठेके होंगे वो ग्रामीण आबादी के क्षेत्र में नहीं खोले जाएंगे। लेकिन इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से वहां से एक सहमति यानी वहां की पंचायत की वहां की ग्राम सभा की ये लेकर के जो जो अभी कर देंगे, हालांकि डिपार्टमेंट ने 30 सितंबर तिथि उसकी तय की हुई है, लेकिन अब हम 31 दिसंबर तक है तो नहीं नहीं इनकम है, लेकिन फिर भी अगर ग्राम सभा ग्राम पंचायत ना लिख के दे तो ग्राम सभा कराइए। नहीं नहीं होती है, देखिए ये हम जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम अगर उसमें थोड़ा चलो आप स्वयं जाकर के तैयार करो उनको, कुछ तो कोई तैयार करे ना। देखिए है क्या, देखिए सुनिए सुनिए नहीं नहीं सुनिए सुनिए ये फैसला हरियाणा सरकार ने सुनो सुनो अरे सुनो 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 हरियाणा सरकार ने यह फैसला 1996 में लिया था और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस फैसले में शामिल थी। उस सरकार में एक प्रोविजन का मूव चलाया, देश में प्रदेश में दुनिया में सबने सराहा, लेकिन उसके दुष्परिणाम 2 साल के अंदर अंदर जो देखने को मिले आप लोगों में से कुछ उसके गवाह होंगे और अल्टीमेटली उसी सरकार को वो निर्णय वापस लेना पड़ा। इसलिए जब तक जनमत नहीं बनता, जनता का इसमें सहयोग नहीं मिलता, जब तक लोगों के ओर से आवाज नहीं आती, हम एक सदिच्छा से कोई काम करेंगे, जनता उसको पसंद नहीं करती है या जनता उसमें से कोई और रास्ते निकालना शुरू कर देती है। आखिर ये एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, ये इतना कहना आसान है, इसको करने में कई कठिनाइयां आती हैं। फिर भी अभी हमने कहा है कि हम उन सब गांव में जहां गांव की पंचायत नहीं तो ग्राम सभा पर शुरू तो करना पड़ेगा ना हमको, तो इसलिए जब तक वो लिख के नहीं देंगे हम वन साइडेड ऑर्डर कर देंगे। हाँ ये तो अगर वो लिख के देंगे कि हमारे गांव में खुलना ही नहीं चाहिए तो बिल्कुल नहीं खोलेंगे। अगर वो ये कहते हैं नहीं थोड़ा दूर खोल दें गांव से बाहर तो करेंगे ही सब, गांव के अंदर बंद करने की बात मैं कह रहा हूं कि उस गांव की परिधि में ही नहीं खोलेंगे, लेकिन वो बाहर करने की बात है। इसको तो आबादी से बाहर, जैसे पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं धार्मिक संस्थाएं हैं इन स्थानों से दूरी बनाई हुई है, ऐसे गांव की आबादी से दूर कर देंगे, लेकिन दूरी इतनी रखें ताकि दो गांव के बीच की दूरी इतनी ना हो जाए जिसमें से दोनों गांव के कोई स्थान ही ना मिले। इसलिए वो दूरी तय करके कि उसके बाद उसको तय कर सकेंगे। ऐसे ही एक हमारे घोषणा पत्र में हमने कैंसर रोगियों की बात कही है कि कैंसर रोगी और उसका एक सहायक उसको बस में फ्री ट्रेवल, इसकी नोटिफिकेशन भी हम अगले सप्ताह ये कर देंगे। पराली का एक विषय आया था, हमको मालूम है कि ये भी समस्या एक अपने आप में एक बड़ी ऐसी बन गई है जो ना हम इधर बोल सकते ना उधर ज्यादा बोल सकते। आखिर प्रदूषण कोई भी नहीं चाहेगा प्रदूषण हो, और जिस प्रकार की परिस्थितियां खास करके बड़े शहरों में दिल्ली जैसे शहर में NCR में प्रारंभ होती हैं फिर बाद में सारे प्रदेश में फैलती हैं। 2 दिन पहले हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं था जहां 400 का क्या यूनिट होता है AQI 400 से ऊपर सब जगह, एक यमुनानगर जिले में 376 कुछ ज्यादा था वरना सब जिलों का 400 से ऊपर था, हरियाणा में भी कुछ 1-2 दिन में कम हुआ है। लेकिन केवल पराली से ही उसका प्रभाव ऐसा भी नहीं है, कहने को तो आलोचना करने वाले सब करते हैं पराली जला दी सब हो गया, इसका तो असर एक 18-20% है, 80% असर तो दूसरी चीजों का है। लेकिन चूंकि एक धारणा बन गई है और ये सुप्रीम कोर्ट NGT सब इसमें लगे हैं, कल भी 6 तारीख को आसपास की स्टेट्स के सभी चीफ सेक्रेटरी को बुला रखा है, चीफ सेक्रेटरी का इतना सख्त रुख देखा अपने सुप्रीम कोर्ट का तो कि हमारी चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया हमारा सत्र चल रहा है इसलिए 6 को आना मेरे लिए कठिन होगा, तो एक मौखिक बात यह भी आ गई कि ठीक है सत्र को आगे बढ़ा दो लेकिन यहां जरूर आना है। तो कुल मिला के वो कल जाएंगे और हमने हरियाणा में काफी कुछ इस पर विल अटेंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया टुडे एंड ऑल मेंबर्स विल बी प्रेजेंट एट द दिल्ली हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफिस टू मीट एंड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस कफर।
attempts to fast track these investigations are also going to be made. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. और इसमें भी 9 जिले सबसे ज्यादा हैं, कैथल, करनाल, फतेहाबाद, अंबाला, सिरसा, यमुनानगर, पलवल और कुरुक्षेत्र। इनमें थोड़ी सख्ती भी हमने बरती है कि भी लोग इसमें थोड़ा सा ना पराली जलाए, कई तरह के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स विल अटेंड बार काउंसिल और पराली एंड द चीफ जस्टिस ऑफिस to meet and find out a solution to this scuffle. And attempts to fast-track these investigations are also going to be made. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon. सुझाव बहुत आते हैं, या आपका सुझाव है, कई जगह और भी सुझाव? दो महीने में गलाता है तो दो महीने में गल के वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्योर का काम करेगा जो खेत के लिए बहुत लाभप्रद है। डीकम्पोजर से पराली को गलाना, उसमें फसल ले सकते हैं और वो अपने आप ऑटोमेटिक प्रक्रिया में बदल जाती है। और देखिए एक और दूसरी बात भी है कि आखिर सुनिए कादन जी विषय पैसे का उतना मुझे नहीं लगता, आखिर मैं भी थोड़ा बहुत तो किसानी से जो संबंध रखता हूँ, पैसे का इतना नहीं है। विषय तो उस पराली का क्या करें, किसान भी पराली को जलाता क्यों है, उसका उपयोग नहीं कर सकता। उसके इम्प्लीमेंट के लिए अभी 10,000 मशीन है तो पिछले साल में बांटी 15-14,000, इस बार बांट दी है और 80% उसमें सब्सिडी दे रहे हैं। पंचायतों को भी कह रहे हैं कि भी आप इसमें थोड़ा चार्जेस लेकर के और करो, और उसका जो बेल बनाता है वो बिक भी रही है। अगले साल तक तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लग रहा है, उसका बायो डीजल का प्लांट लग रहा है। तो उसमें पानीपत, करनाल और जींद और कुछ सोनीपत, ऐसे चार जिलों का, पानीपत तो पूरा ही है, चार जिलों का कुछ और हिस्सा, इतना सारा तो मटेरियल वो इकट्ठा करेंगे। हम इस ओर बढ़ रहे हैं, एक एक प्लांट लगे वहां उसका यूज हो, इधर अंबाला में और यमुनानगर में, इधर तो हमारे जो बिजली के बनाने वाले प्लांट हैं ये भी खरीद रहे हैं, कुछ जगह पर खरीद शुरू हो गई है इसकी, जहां जहां खरीद शुरू हो गई है वहां वहां जलाने की ये घटनाएं कम हुई हैं। इसलिए पराली का उपयोग क्या हो, एक तो यह है कि जैसे डीकम्पोजर है उसमें अंदर ही बाद है ताकि 2 महीने बाद उसका खाद का उसका उपयोग हो जाए, या उसकी बेल बना करके उसको बिक्री हो, पावर जनरेशन हो, इथेनॉल हो, उसमें बायोडीजल हो, ये चीजें बनाने के लिए उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि किसान की आमदनी उसमें हो जाए। तो ये सब कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको ये बताया मैं। अब अंत में एक विषय और जो मेरे ध्यान में है वो प्राइवेट स्कूलों का है। प्राइवेट स्कूलों के भूमि और भवन बारे जो निर्धारित जो पैरामीटर हैं उनके मानक जिनके पूरे नहीं हैं उसी में कठिनाई आती है, क्योंकि आखिर स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का जो पैरामीटर तय किए हुए हैं उसमें ये तो है कि रिवाइज करके थोड़ा सा ढीला तो हम कर सकते हैं, लेकिन एकदम उन मानकों को खत्म करना वो बच्चों की पढ़ाई के लिए उपयोगी नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए जितना भी संभव होगा इन मानकों पर पुनर्विचार करके और शीघ्र अतिशीघ्र कोई निर्णय लेकर के कुछ स्कूलों का उसमें मान्यता मिल सकती है, सबको तो उसमें मिलना कठिन है। मैं इतना ही कहूंगा अंत में, फिर सब लोग, मैं अंत में समापन कर रहा हूं, सब लोग मिलकर के, मैं वही सुनाता हूं मेरा इतना ही कहना कि सब साथ चलें, सबका साथ सबका विकास, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है और कौन पीछे है, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ और हम किसके साथ। इसलिए सबका साथ सबका विकास, इस बात को लेकर के अब चले। माननीय एक दो श्लोक और सुनाऊंगा। साथ चलने के लिए हम लोग हमेशा एक पाठ किया करते हैं, मैं तो हमेशा अपने जीवन में बहुत करता हूं, कुछ मेरे साथी भी करते हैं, उसकी आधी पंक्ति अगर मैं बोलूंगा मेरे बहुत से साथी समझ जाएंगे। अगर आज उस पाठ से समाप्त करेंगे, उस पाठ का अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि सब साथ मिलकर चलें, मिलकर काम मेहनत करें, परस्पर द्वेष न करें, सभी तेजस्वी बने। और वो जो उस पाठ का नाम है ओम सहना भवतु। जय
ओम सहना बहुत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषा वहै ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 नवंबर 2019 को प्रातः 10:30 बजे इस सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाईकोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफिस टू मीट एंड फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस स्कफल। अब सदन कल बुधवार दिनांक 6 नवंबर 2019 को प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित।